माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अपने देश में भले मुस्लिम धर्म के ठेकेदार पीएम मोदी को बदनाम करने की साजिश रचते हैं, लेकिन विश्व के कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पीएम मोदी को दिल से मानते हैं और उनकी बातों को भी अपनाते हैं। अब भारत को विश्व भर में बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। बता दें कि जासूसी के आरोपों में कतर के जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया गया कि रिहा नौ सैनिकों में से 7 पूर्व नौ सैनिक अपने वतन लौट चुके हैं। कतर से लौटे पूर्व नौ सैनिकों ने अपनी सरजमी पर वापसी करते ही भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ काम करने वाले पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने इस मामले में कानूनी मदद ली। जानकारी के अनुसार 26 अक्टूबर 2022 को कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि जब ये सजा हुई तो कतर और भारत में किसी ने इन आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया। हालांकि जब मौत की खबर ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी तो भारत हरकत में आया। इससे पहले पूर्व नौसैनिक अधिकारियों ने अक्टूबर 2022 में दोहा में भारतीय राजदूत से मुलाकात की थी। इसके बाद वे अपने रिश्तेदारों से बात कर पाए थे। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंट्रैक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंट्रैक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। मार्च 2023 में दायर की गई याचिकाओं में से आखिरी याचिका खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख बिन हमाद थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौ सैनिकों की सजा को कम किया गया था। बता दें कि कतर में सजा पाए जाने वाले पूर्व भारतीय नौ सैनिकों कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पुर्णेदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार शर्मा, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर सुगनाकर पगला, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ का नाम भी शामिल है। ये सभी नौसैनिक कतर के सैनिकों को ट्रेनिंग देते थे।